दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम रूम में। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आपके रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के बारे में, साउथ सेंट्रल रेलवे के अप्रेंटिस के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो टोटल यहाँ पे 4000 वैकेंसीज हैं आपके अलग अलग ट्रेड में। एसी मैकेनिक, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, MMTM, MMW, पेंटर, वेल्डर की यहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, इन ट्रेड में आप लोग अप्रेंटिस कर सकते हो रेलवे के थ्रू, RRC के थ्रू। तो ये बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। ये जो रिक्रूटमेंट है आपका साउथ सेंट्रल का है। तो ये तो यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके 4 अक्टूबर से शाम के 5 बजे से स्टार्ट हो गए हैं। इसकी लास्ट डेट जो है आपकी 3 नवंबर है रात के 12 बजे तक। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो पोस्ट है आपकी, एसी मैकेनिक, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, MMTM, MMW, पेंटर एंड वेल्डर की यहाँ पे आपकी पोस्ट है। तो यहाँ पे 4103 वैकेंसीज हैं, ठीक है, 4103 वैकेंसीज हैं, 4103। और लास्ट डेट आवेदन करने की 3 नवंबर में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है। अगर एसी मैकेनिक की बात करूँ 250 वैकेंसीज हैं, ठीक है। कारपेंटर की 18 हैं, डीजल मैकेनिक की 531 है, 1019 आपकी इलेक्ट्रीशियन की है, ठीक है, 92 आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की है, 1460 आपकी फिटर मशीनिस्ट की है, 71 आपकी मशीनिस्ट की हैं, MMTM की आपकी केवल 5 वैकेंसी हैं, पेंटर की 80 वैकेंसी हैं, ठीक है, और 553 वैकेंसीज हैं आपकी वेल्डर की, 553 वैकेंसीज आपकी वेल्डर की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी MMW की केवल 24 वैकेंसी है। अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज की बात करें तो फिटर और मशीनिस्ट की आपकी 1460 वैकेंसीज हैं, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रीशियन की है आपकी 1019, ठीक है, उसके बाद आपका जो है वेल्डर की है 553, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है डीजल मैकेनिक की 531 है, ठीक है। इसके बाद तो इन पदों के लिए आप यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेता हूँ, 15 साल से लेकर 24 साल तक एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। बाकी जिनका रिलैक्सेशन लगता है, रिजर्वेशन रहता है, 5 साल का SC को दिया गया है, 3 साल का OBC को दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास आप लोग चाहिए, IT अपने ट्रेड से होना चाहिए, ठीक है, जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहेगा आपका, आपके जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे रखे जाएंगे, मेरिट लिस्ट लगेगी यहाँ पे, ठीक है। बात कर लेते हैं, यहाँ पे कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं है, कोई वाइवा नहीं है, बस आपका मेरिट लगेगी। सैलरी की बात कर लेते हैं, सेंट्रल अप्रेंटिस काउंसिल के हिसाब से आपको कितनी स्टिपेंड मिलेगी। दोस्तों स्टिपेंड आपको सेंट्रल काउंसिल जो अप्रेंटिस है उसके माध्यम से ही मिलेगी, वो अपना डिसाइड करेंगे कितनी आपको मिलेगी। अब यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है कैंडिडेट के लिए, ठीक है, वो ऐसा अप्लाई कर सकते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। आपको क्या करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको जाके सीधे वेबसाइट में जाना है, अप्लाई ऑनलाइन करना है, लॉगिन करना है और अपना एडमिट कार्ड जो भी है आपको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी एडमिट कार्ड नहीं, मतलब आप लोग वेबसाइट में जाओगे तो उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन करोगे, फॉर्म खुलेगा, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर आपका लॉगिन नहीं है, अपनी बेसिक डिटेल डालोगे, फीस सबमिट करोगे, अपना फॉर्म अपने पास संभाल के रख लोगे, फाइनल प्रिंटआउट लेके फाइनल सबमिट करके। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी, इस तरह की और वीडियोस पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।